हेलो फ्रेंड, आज हम आपको अरबी की सब्ज़ी बनाना बताएंगे। इसको मैंने एक स्पेशल तरीके से बनाया है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये बनाया हुआ दिखाया पहले आपको। इसको मैंने चना का दाल और अरबी की सब्ज़ी बनाई है एकदम अलग तरीके से। ये अरबी को मैंने छील लिया है, इसको हाथ में तेल लगा के छीले, ये तो खुजली होती है हाथ में। इस तरह से टुकड़े टुकड़े में काट लें। और ये मैंने चना का दाल भिगो दिया था थोड़ी देर पहले, थोड़ा अच्छे से गल जाता है। उसके लिए हरी मिर्च ले ली है और टमाटर है, बिना लहसुन प्याज का बनाया है मैंने। तेल डाल दूँगी, कुकर मेरा गर्म हो गया है। और उसको मैं अरबी को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, उसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, एक दो बार चला लेंगे। इसके लिए मैंने मसाला लिया है हल्दी, धनिया पाउडर और ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, नमक, लाल मिर्च इस तरह से, और ये थोड़ा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। इस तरह से मैंने ये सारे मसाले को ले लिया है। और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे कि मसाला मेरा भून जाए। और इस तरह से मैंने अरबी को फ्राई कर लिया है। अरबी को प्लेट में थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूने अरबी को, और इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया है। और कुकर को इस तरह से मुझे थोड़ा भूनना है, फिर कुकर में तेल फिर से डालेंगे। तेल डालने के बाद जीरा डालेंगे, हरी मिर्च, तेज पत्ता, फिर उसके बाद हम मसाला डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। इस तरह से हमको दो तीन बार चला के मसाला मेरा अच्छे से भून गया। उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं मेरा मसाला अच्छे से भून गया है, तेल छोड़ दिया है। और ये मैंने टमाटर काट के रखा था, टमाटर डाल दिया अच्छे से मिक्स करके। दो मिनट के लिए ढक के रख देंगे, दो मिनट के लिए ढक के रख दिया। टमाटर को चला देंगे अच्छे से, ये मसाला मिक्स हो गया है। अब इसमें हम अरबी जो भून के रखी थी वो डाल देंगे। फिर उसके बाद हम ये चने का दाल था उसको डाल देंगे। दो तीन मिनट के लिए इसको भूनेंगे अच्छे से, दो मिनट के लिए ढक देंगे। ढकने के बाद इसको थोड़ा सा हटा दें। फिर इसमें हम उतना जितना हमको पानी चाहिए उतना हम पानी डाल देंगे। आप ये देख सकते हैं कि मेरा ये मसाला भून गया है। और इसमें हम अपने हिसाब से पानी डालेंगे क्योंकि पानी की ग्रेवी चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको कुकर में सीटी बंद करके 5-6 सीटी मीडियम फ्लेम पे ही लगाना है ताकि चने की दाल गल जाएगी। इस तरह से मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो पे ऐसे बने रहें, नए नए आपको रेसिपी दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।